नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल फार्मिंग एंड गार्डनिंग का आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं सो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में काम आएगा ही, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें। आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि ये जो आम का पौधे मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सुकुल वेराइटी का आम है। जो मेरे शॉर्ट्स देखते होंगे उनको पता ही होगा। तो आज हम आपको इसको नियमित तरीका से कैसे लगाते हैं आम को, जिससे आपका पेड़ नहीं मरे, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आम के पौधे लगाने का दो तरीका है। पहला तरीका है, कितना लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो इसका जो छल्ला है उतना बड़ा हम गड्ढा मारे, उसमें आम का जड़ डाल दिए और फिर तोड़ दिए। तो उससे क्या चांस रहता है, उससे चांस रहता है कि आपके जड़ में पानी लग गया, जिसके कारण आपका पहला कारण पानी लग के भी आपका आम का पौधा मर सकता है। मिट्टी वगैरह या बहुत सारे ऐसे जो फंगस वगैरह है, जो अभी क्योंकि शुरू में ये पेड़ जो मैंने लाया है हाजीपुर से लाया है, हाजीपुर से इसे हम इधर औरंगाबाद साइड इसे लगाने जा रहे हैं। तो कहीं कभी भी आपको पेड़ लगाना हो तो देखिए, इस तरह का जो मट्टी का एक ऊंचा टाइप का आप ठेहा बना लीजिए। हमारे तरफ तो ठेहा ही कहते हैं, आपको तरफ क्या कहते हैं, कई तरफ टीला कहते हैं, जो भी कहते हैं वो मैटर नहीं करता है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में, ये जो मट्टी का आप ठेहा देख रहे हैं इस तरह का आप बना लीजिए झाम के मदद से। और इसको देखिए, इसको इस तरह से पहले तो मट्टी का ठेहा हो गया, जो देख लीजिए मेरे हाथ से लगभग ये जो जड़ है, सो ये है, सो मल्टीपल है, जो यहाँ तक रहना चाहिए, जो जमीन से कॉन्टेक्ट नहीं रहना चाहिए, उतना तक अपना पेड़ का ठेहा बना लीजिए। और उसके बाद और बाकी आप हमारे वीडियो में देखिए इसको। फिर है जो ये सब घास पतवार है, जो ये सब देख रहे हैं, इसको चुन दीजिए, चुन के अलग कर लीजिए, ताकि क्योंकि ये मट्टी से नमी मिलने, जब आप इस पेड़ को लगाकर पानी देंगे तो मट्टी के नमी मिलने में ये ऐसे फिर से उपज जाएगा। सो ये सब मर जाए, इसके लिए पहले इसको चुनकर हटा दीजिए, सब जितना भी है ये सब चुनकर हटा दीजिए। उसके बाद जो आपका देखिए इस तरह से आप पूरा ये सब बना लिए। आइए हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, नज़दीक से दिखाओ। ये सब देख सकते हैं, ये सब जो ही ये सब खरपतवार रहता है, इसको फर्स्ट है कि इसको चुनकर हटा दीजिए, नहीं तो इसके कारण आपके पेड़ के जड़ में कीड़ा लगेगा, आपका पेड़ 100% चांस है कि आपका पेड़ मर जाएगा। इसलिए ये सब कभी ना रहने दें। ये सब जो है, ये सब जो खरपतवार है, आपका पेड़ का न्यूट्रिएंट है, सो ले लेता है, जिसके कारण आपका पेड़ उजिया नहीं पाता है, वो मर जाता है। और कभी भी नया नया अगर पेड़ लगा जो कहीं और से आप कलमी पेड़ जो लाते हैं, तो उसमें कभी भी गोबर का खाद हो गया या कितना लोग यूरिया DAP वगैरह जो यूज करते हैं, सो वो भी कभी मत डालें। पेड़ की जड़ें जो होती है नाजुक रहती है, तो उसे भी आपका पेड़ है कि आपका जड़ी सूखने का डर है। इसलिए कभी भी आपका पेड़ को लगाकर, एक महीना आपका पेड़ लगा दिए, एक महीना हो गया, उसके बाद ही पेड़ में कुछ डालें, उससे पहले पेड़ में कुछ नहीं डालें। एक महीना आप पेड़ लगा दिए, उसके बाद जब दुफर का कुड़ाई है पेड़ को जड़ी के किनारे किनारे दुफर का कुड़ाई करें वगैरह डाल सकते हैं, उससे पहले लगाते टाइम कभी नहीं डालें। इस तरह से देख लीजिए, मैंने मेरा जितना मट्टी का जो डीप यहाँ गढ़ा था उतना मैंने गढ़ा ये खान लिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कभी भी देखिए आप पेड़ लाते हैं तो कितना लोग होते हैं कि देखिए, अगर इसमें चिकनी मट्टी जो गोर वाली, इसमें मट्टी देखिए, इसमें जो मट्टी है सो चिकनी मट्टी नहीं है, ये देख सकते हैं ये चिकनी मट्टी नहीं है। तो कभी भी अगर आपके पेड़ में जो यूज हुआ चिकनी मट्टी है तो उसको हल्का पानी में डुबा कर उसको ऐसे फोड़ दें, ताकि जिससे है कि कहे कि चिकनी मट्टी जो रहता है जो रूट बॉल को स्टक कर लेता है, जिसके कारण रूट बॉल उससे जल्दी निकल नहीं पाती और आपका पेड़ जल्दी विकास नहीं करता। अगर इस टाइप की मट्टी है तो उसे कुछ मत करें, उसको ऐसे ही सिर्फ यहाँ जो ये दो चार रफ्फी इसको देख रहे हैं इसको काट दें, और पोरा भी है इसको भी लगे ही रहने दें, क्योंकि वो पोरा बाद में फट जाएगा, गल जाएगा और आपका पेड़ के नीचे खाद का काम करेगा। तो ऐसे ही इसको इसमें डाल दें, इस तरह से देखिए जो हम इस तरह से ऐसे डाल दें और इसको लगाकर वो पानी दे दें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें,
वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए।